गली में। मैं यहाँ पर जो है ना ये कालीना में मैकडोनल्ड के सामने फिटनेस किंगडम करके जिम है, ठीक है। ठीक है। इन्होंने जो है 2022 में अक्टूबर में जिम स्टार्ट किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है 15,000-18,000 के हिसाब से पर मेंबरशिप लोगों को दिया, बराबर। हाँ, उसके बाद इनका क्या आपस में डिस्प्यूट था, कुछ पार्टनरशिप का क्या था, आई डोंट नो। लेकिन इन्होंने जो है ना बिना नोटिस के जिम ऑटोमेटिक बंद कर दिया। किससे बंद किया? ये जो ऑनर है जिम का वो रेंट पे था वहाँ पर। क्या नाम है उसका ऑनर का? विजय सूर्यवंशी। और जो वीडियो होगी ना उसमें जो बात कर रहा है लड़का, जो टाइम दे रहा है, उसका नाम विजय सूर्यवंशी है, ठीक है। और जो दूसरा ऑनर जो जिम को टेक ओवर किया था, जिसने 15 दिन पहले लोगों से पैसा लेना चालू किया और बोला कि जिम मेरे अंडर में है, उसका नाम है अलीम खान, ठीक है। ठीक है, अलीम खान ने जो है लोगों से पैसे लिए और ये दोनों ने बाद में अचानक में जिम बंद कर दिया। और जिम बंद होने की वजह से कम 100-150 लड़के अभी आए थे और ये सब मसले हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हमारा कोर्ट में केस है और जो करना है, जो समझ में आता है आप लोगों सब कर लो, ठीक है। हाँ, और यही फिटनेस किंगडम 2020 से पहले यानी 2018 में इन्होंने उसके बगल की बिल्डिंग में ओपन किया था, विजय सूर्यवंशी ने। उसमें भी इन्होंने यही किया कि 1.5 साल जिम चलाया और बंद करके पूरे पैसे खा गए। और मेंबर जो अभी के जो मेंबर हैं, मेरे ख्याल से 500 से या 1,000 मेंबर होंगे। 500 अगर 1,000 का जोड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और जो पहले की जो जिम थी उसमें भी ये लोगों ने कम से कम 1.5 करोड़ का घोटाला किया था। तो उसके बाद पहले कुछ केसेस बना था? नहीं, पहले किसी ने केसेस कुछ किया नहीं, लोग तो यानी भूल गए। लेकिन इस बार भी उसी बात का फायदा उठाते हुए इसने फिर से वही काम किया। हाँ, इसी सोचा कि भाई कोई कुछ करेगा ही नहीं, कोई मीडिया में आएगा नहीं, कोई FIR नहीं होगा, लेकिन ये सब इसने किया है। और ये जो जिम है ना फिटनेस किंगडम मैकडोनल्ड कालीना में है, उसके सामने अपोजिट में है और उसके नीचे किया शोरूम है। और ये जो जमीन का लैंडलॉर्ड है वो रेशम करके है, पंजाबी है। तो बंद लैंडलॉर्ड ने नहीं बंद किया, ये दोनों ने ही बंद कर दिया। ये दोनों ने ही बंद कर दिया। अभी लास्ट आपकी बात थी तो क्या बोल रहे लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रेंट देने का पैसा नहीं है, तो हम लोग अभी जो है मामला कोर्ट में है, क्या है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोर्ट वोट में ऐसा कुछ है नहीं, ये लोग चालू नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सब मिलकर कंप्लेंट कर दो। अभी हम लोगों ने सब पेपर बनाया है, साइन में ली है, कल हो सकता है कल या परसों जाके FIR करेंगे। कल या परसों करेंगे FIR? हाँ, FIR करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ना, मेरे कॉन्टेक्ट में रहना, क्या 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 हो रहा, नहीं हो रहा है। तो अभी आप कुछ डाल सकते हैं कि नहीं डालेंगे? अरे अभी आपकी मेरी रिकॉर्डिंग जा रही है। वहाँ अपने पास पैसा नहीं था, मैं 10-12 दिन पैसे के बंदोबस्त में लगा था, अपने पैसा रेडी करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो मैं इनको क्या बोला, मैंने रिहान भाई को भी बोला कि 2-3 दिन का मसला है, ये अपना क्लियर आउट हो जाएगा। जी, जैसे विजय एक बात बोलूँ, सबसे पहले तुम्हारी बात पे ट्रस्ट कौन करेगा बताओ मेरे को? तुम हर बात आके बात करके चले जाते हो, बाद में वो बात होती नहीं। वहाँ पे भी वही हुआ, तुमने मेरे को वहाँ क्या बोले थे? एक मिनट, तुमने मेरे को वहाँ क्या बोले थे? आसिफ भाई आप टेंशन मत लो, ये मेरा 24 तक एग्रीमेंट है। बोले थे कि नहीं? उसके पहले अर्ली जो है 3 महीने के अंदर ही जो आपका जिम बंद हुआ कि नहीं? मैं आसिफ सर आपको क्या बोला, जब मैं बोलूंगा ना भाई तभी वहाँ से मैं हटूंगा। मैंने आपको ये मैंने बोला मेरे पीछे और भी मेंबर है, मैं ज्वाइन कराऊँ कि आप बोले सर एग्रीमेंट है, आपको मैं कॉपी देता हूँ। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं ये नहीं बोला हूँ, मैंने रियान भाई को आपकी बात पे ट्रस्ट करने के लिए आपने पिछला कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। मैं आपको मेरी बात आप समझ रहे हो? आप अभी कितनी भी बात करके जाओगे हमको ट्रस्ट नहीं आने वाला आपके ऊपर। उसका रीजन ये है कि आपने वहाँ हमको तकलीफ दी है। अभी यहाँ ऐसा है कि आप कुछ एक बात करते हो, अलग स्टोरी बता रहा है, नाम चेंज करके करूंगा। आपको जब ये करना था तो आपको प्री नोटिस लगा के पूरे मेंबर को बुला के जो है एक बार मीटिंग करना चाहिए था। ऐसा अचानक बंद करके चले आओगे तो उसका क्या? अरे दो दो दिन की एंट्री ली हुई है, अभी दो दो दिन पहले ये तो फ्रॉड वाला ही गेम है ना? नहीं, फ्रॉड नहीं होगा सर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने सबने
वहाँ पर भी मेरी बात सुनी, आपने मेरे पर भरोसा रखे, आप रुके थे ना, मैं आप सबको यही बोल रहा हूँ, आप रुके थे ना, मैं आपको यही बोल रहा हूँ भाई कि मेरे को 3-4 दिन का टाइम दो, इंशाल्लाह अगर ये नहीं सॉल्व करूंगा, आपको जो एक्शन लेना है मैं खड़ा रहूंगा, जैसे अभी आया हो ना वैसा मैं आऊंगा, फिर आपको जैसा एक्शन लेना है मैं आपके साथ चलूंगा। क्या एक्शन लेना है आसिफ भाई, मेरा बोलने का मतलब है कि तुमको ऐसा करने का कैसा तुम सोच सकते, तुम अगर ऐसा करना है तो तुम नई मेंबरशिप लो मत ना भाई, मैं 4 दिन पहले भी सब नई मेंबरशिप भरा हूँ, 4 रुपए में पैसा भरवाया, अलीम ने पैसा दिया मेरे से, वो नहीं उठाया। अच्छा अलीम को नोटिस लगाए तो तुमने उस ताल्लुक से किसी को इन्फॉर्म करे, किसको किसी ने बताया भी भाई, कल को कोई तीसरा नोटिस लगा देगा, हमने उसके उसमें मार दिए, तुम बोलेगा भाई मेरा नंबर तो यह नहीं, हम लोग वो लगाया था ठीक है, उन्होंने नोटिस वगैरह लगाया था, वो हमारा पर्सनल डिस्प्यूट था, तो हम अभी उनका पैसा जो निकल रहा था उसके लिए मैं भागदौड़ कर रहा था, मैं इसलिए इतने टाइम से नहीं आ रहा था आसिफ सर, मैं भागदौड़ कर रहा था, मैंने मेरा वो काम कर लिया है, अभी कल हमारे मीटिंग हुआ था तो कल ने कि हमारा कुछ टर्म्स पे बात बैठी है, इससे होने वाली आपकी बात अलीम सर, तो अभी ये मतलब की है हो चुकी है किसी टाइम पे, अब वो सरदार अभी जो है अलीम ने पैसे लिए हैं कुछ लोगों के, उनका क्या है? अच्छा मेन सरदार ने ताला क्यों लगाया इसको? अभी मैं क्लियर बात बताता हूँ, अभी तक क्लियर नहीं बात हुई, नहीं 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 नहीं, सरदार जी ने ताला इसलिए लगाया, ये सरदार जी को नहीं गया, ये डिस्प्यूट मालूम पड़ा, मैंने उनको क्लियरली बताया और वो एग्रीमेंट टर्म में लिखा है मेरे लीव एंड लाइसेंस में कि आई वोंट टेक एनी पार्टनर, मतलब मैं किसी पार्टनर को ले नहीं सकता, हाँ उसने ये बोला कि इन्वॉल्वमेंट के ये जो है अलीम वगैरह ये मैं उसको जानता नहीं, मेरा एग्रीमेंट तेरे साथ है, उसने ताला मारा है, बोला ये 2-3 दिन में सॉर्ट आउट करो, जैसे ही सॉर्ट आउट होता है जो भी तुम्हारा पेपर बनता है कोर्ट के थ्रू वो पेपर मेरे पास सबमिट करना, चाबी मेरे पास है तो तुरंत चाबी दे दो, ताला खोल दो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम बंद हो रहा है, और मैं आपको लिख कर देता हूँ मरती रात है धंधे के सामने कि जिम बंद नहीं होगा, मैं कुछ भी करूंगा ये जिम बंद नहीं होने दूंगा, बट क्या है आपस में देखो आसिफ सर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मैं अकेला आता हूँ, अपना धंधा है ये, मेरा एरिया नहीं है, अभी जो भी है यहाँ के लोकल है, मेरे को प्यार भाई तुमको किसने सताया पहले तो ये बोलो, आपको कुछ बोला क्या मेंबर कैसा है, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता भाई, मैं आपको ये बोल रहा हूँ तुम्हारे से झगड़ा कर रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, झगड़ा हमको श्योरिटी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोला हूँ आज 11 तारीख है भाई, आज 11 तारीख है, देखो 15 को वैसे भी जिम बंद है 15 अगस्त का, मैं उनको बोला हूँ 17 तारीख से पहले जिम ओपन हो जाएगी, 17 तारीख की अपनी डेडलाइन है, तो यानी 17 यानी 16 तारीख को ओपन हो जाएगी, 17 मंगल को है भाई, 15 तारीख को आती है, अभी क्या करने का है सब लोग बोलो भाई, अरे 17 के 18 को चालू, अरे भाई अभी कल पैसा भरवाया गया, सुबह सुबह में सबसे कल पैसा भरवाया गया भाई, भाई मैं तो जब ये सब करना था तो नहीं तुमको नहीं भरवाना चाहिए था ना, मेरे बोलने का मतलब आप ना सुनो ना एक मिनट आप एक बात खाली क्लियर करो, एक मिनट सुनो अभी ये अलीम ने जो अपने अकाउंट में पैसा लिया है निरंजन आपका मैनेजर है बराबर, निरंजन के कहने के हिसाब से हम लोग ने अलीम के अकाउंट में बहुत लोगों ने भी 5-6 दिन में पैसा डाला है 15,000 के हिसाब से, कुछ लोगों ने 16,000 भी डाले, तो अभी उसका क्या करने का बताओ, उसका क्या मर, कल तुम बोलोगे कि भाई ये मेरे मेंबरशिप में नहीं आता है, अभी तुम्हारे एग्रीमेंट एक मिनट अभी तुम्हारा उससे सेटलमेंट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा उससे कोई लुकआउट नहीं ठीक है, अब पैसा तो हमने उसको भरे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेंबरशिप जो भी आपने भरा है जो जिम में भरा है पैसा मैं अभी सबको वही बता रहा हूँ, वो जिम का ही रहेगा और जिम में वो जो पैसा उसने लिया है जो भी हमारा बचा खुचा है उसमें सेटलमेंट हो जाएगा, मैं आपको क्या सेटलमेंट किए भाई, आपने जो भी पैसा जिम में भरा है ये बात कल को पलटी हो जाएगी, प्रोमाइसेस से मतलब क्या मुराद, हमने जिम की मेंबरशिप के लिए अलीम को पैसा दिया है, हम लोग वही बात करेंगे, कल को तुम बोलेंगे तुमने यहाँ पैसा दिया मैं बाहर की गारंटी नहीं लेता हूँ, वो सब नहीं जिम चालू है ना, तुम और मैं चालू फिलहाल तो नहीं कर सकते, इसको 2-4 दिन टाइम दो, मैं वही बोल रहा हूँ सर क्लियर करा देता हूँ, 17 तारीख के दिन बता भाई हमारे को तुम जो भी है मैं रहूंगा ना सामने, भाई देखो सुनो अभी देखो आपकी जवाबदारी ले लेते हैं, लेकिन ये है कि 17 को चालू हो जाएगी
तो अच्छा है भाई। अरे मैं फोन उठाता हूँ, किसका फोन नहीं उठाया मैं, सबका रियान भाई मैंने फोन उठाया ना, उसके बाद मैं रिफंड करूंगा, खुद ही बोल। अरे वीडियो बना हुआ है ना? नहीं 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 ऐसा नहीं भाई, बनाओ मैं मना नहीं कर रहा हूँ। विजय भाई देखो क्या है, जी मैं यही बोल रहा हूँ, बुला रहा है, चालू हो जाएगा केस तो सबको याद है। मेरी बात सुनो, ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ना, उन्हें एफआईआर करवा दिया, पुलिस के सामने खड़ा भी कर दिया ना, तो भी लोग एग्री करेंगे, पैसा देंगे, मगर जिंदगी में कोई पैसा देंगे नहीं। अरे भाई वो नौबत नहीं आएगी, अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली का हमारा काम है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, खड़े भी हो जाएंगे, एग्री भी करेंगे, लिख के भी देंगे, सब कुछ करके देंगे, मगर पैसा नहीं निकालेंगे। देखो भाई की बात में भी दम है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा अक्सर होता है, भाई अभी सुनो, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना शालम भाई, नाम क्या पूरा? विजय सूर्यवंशी, सूर्यवंशी मुंबई का ही हूँ मैं, मेरा गाँव पुणे, मानते नहीं नहीं खुद का घर है, पीएमजीपी कॉलोनी, हाँ पीएमजीपी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 17 तारीख मैंने बोला हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, 17 तारीख तक रुक जाओ सर, अगर नहीं हुआ, देखो रुकने की बात नहीं है, मेन मसला क्या हुआ, कोई बच्चा आता है जिम के लिए पैसा भरता है, कहाँ से ला रहा है तुमको मालूम है? नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, कहाँ से भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो अपना वर्कआउट करने के लिए भर रहा है। 2 दिन पहले बंदे का बंदा अभी तैयारी में हो रहा है कि मैं जाऊंगा जिम, ये करूंगा वो करूंगा, लाखों सपने उसके सजा लिया उसने, और तुम क्या कर रहे हो, उसकी माँ बहन चोद रहे हो, गाली मत दो, ऐसा नहीं होगा सर, मैं गाली मत दो, ऐसा नहीं होगा, आप खाली गाली मत दो, कुछ मत बोलो, नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, तुम यहाँ चलो कलीना के ना 4-5 जिम ना आज कई सालों से हम लोग फायदा नहीं होते तब से चल रहे हैं, लेकिन एक भी दिन नहीं बंद हुए वो, सही बात है, नहीं होगा सर, पेमेंट हो गया, स्पेंसर हो गया, वो भाग गया क्या, चेन हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2-4 दिन का टाइम दे दो, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मतलब एक इंसान भरोसा करके वापस आया, नहीं नहीं भरोसा करके का सवाल है, कर देता हूँ, नहीं किया और हो जाएगा, हो जाएगा भाई, देखो ट्रस्ट गया ना भाई विजय भाई, फिर नहीं आने वाला है दोबारा, नहीं नहीं आ जाएगा सर, क्या है।